मोटापा क्या ये मेरे IVF के सक्सेस रेट्स को कम करेगा? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सारे मेरे पेशेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव सब पूछते हैं कि क्या है, इतनी मोटी है, प्रेग्नेंट हो पाएगी क्या, हस्बैंड इतना मोटा है, पॉसिबल है क्या? सो बेसिकली इसका जवाब है हाँ, प्रेगनेंसी होना, प्रेग्नेंट होना एक सौभाग्य होता है एक लेडी का, पर अगर मोटापा है यानी कि ओबेसिटी है, यानी कि आपका BMI 30 से ज्यादा है, तो फिर IVF में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, आपको डबल इंजेक्शंस लग सकते हैं अगर मोटापा है तो, आपको ट्रीटमेंट करते वक्त, पिकअप करते समय भी जो डॉक्टर प्रोसीजर है उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है, ट्रांसफ़र करते समय भी दिखता नहीं है, ज़्यादा तकलीफ होती है, ओबेसिटी के होने से अबॉर्शंस के रेट्स भी हाई होते हैं, IVF के सक्सेस रेट्स भी लोअर होते हैं, और ओबेसिटी में आगे जाके प्रेग्नेंट आप अगर अच्छे से कैरी भी करते हो तो शुगर, BP, थायरॉयड या फिर जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। आते हैं मेल्स पे, अगर ओबेसिटी है, मोटापा है तो मेल्स में प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन यानी कि जल्दी रिलीज हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ना होना बिल्कुल, लिंग का टाइट ना होना, फिर स्पर्म काउंट कम होना, ये भी पॉसिबल है। इसलिए जो शीघ्र पतन और ये रिलेटेड जो इश्यूज हैं और स्पर्म की क्वालिटी भी कम होने से के कारण ओबेसिटी जो है, मोटापा मेल्स को भी अफेक्ट करता है, और मेल्स के अगर स्पर्म काउंट अच्छे नहीं होंगे तो IVF के सक्सेस रेट्स भी अच्छे नहीं होंगे। तो यस, ओबेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सक्सेस रेट्स। जितने आप वजन बढ़ाते जाओगे उतने आपके सक्सेस रेट्स कम होते जाएंगे IVF में। थैंक यू।